ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि स्लाइडर्स एंड ऑल भी हमने ऑर्डर किए थे, तो आज के ब्लॉग में हमको स्लाइडर्स लगाने हैं क्योंकि सेफ्टी भी रखनी है। एक्चुअली ये मेरे को बहुत पहले से लगाना था, बट कभी बोलते ना वो मौका ही नहीं मिला लगाने का, और अभी मौका बन गया है जब पूरा मॉडिफिकेशन चल ही रहा है, तो पूरा बाइक का सिक्योरिटी का भी देख लेते हैं भाई, सेफ्टी चाहिए। स्लाइडर लगाने का एक ही मतलब बोलते ना मोटो है कि भाई उसके बाद अपन कुछ भी, चलो इनकेस नहीं होना चाहिए था बट कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो बाइक के फेयरिंग पे नहीं आएगा, बाइक हमारी सेफ रहेगी कम से कम, क्योंकि वो स्लाइडर उससे बचा लेंगे। तो वही ध्यान रखो, क्योंकि आजकल तो यू विली विली हम लोग कर रहे हैं बट कभी कभी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि ये पूरा फेयरिंग बाइक है और आप लोगों को भी मालूम है बाइक अगर गिरती है तो फेयरिंग बाइक की तो पूरी फेयरिंग की वाट लग जाती है। इसके लिए पहले स्लाइडर्स लगाना है, क्योंकि अभी एक बार मॉडिफिकेशन का पूरा हो गया ना तो बस मॉडिफिकेशन के बाद सिर्फ राइड रहेंगे हमारे, फिर हम नॉन स्टॉप हर वीक राइड पे निकलेंगे, तो आने वाले टाइम में तो सब राइड ही निकलने वाले, फिर वो सोलो भी रह सकते हैं, ग्रुप भी रह सकते हैं, लॉन्ग भी रह सकते हैं, शॉर्ट भी रह सकते हैं। इसके लिए अभी आने वाले टाइम का तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी बस कंटिन्यू राइड पर ध्यान देना, क्योंकि राइड नहीं हो पा रही है अभी। नॉर्मल जो है हमारे, हम इधर के इधर ही घूमते हैं, हम मोस्टली तो इसको निकाल भी नहीं पाता मैं, तो अभी तो बस राइड के ऊपर ही ध्यान देना है। बाकी आप लोग बता दे रहो कि किधर किधर राइड करना है, क्या प्लान करना है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में करते रहो, तो उधर का प्लान ज़रूर करेंगे हम लोग राइड के लिए। तो आया हमारा मज़र भाई, चलो पैडॉक लग गया, निकल दे अपने चाय तो मैं पी के आया हूँ। हेलो, यही बोल रहा था पट्टी की तरह। तो कुछ ऐसा हमारा ऑर्डर आता है, ये हमारे स्लाइडर्स, ये अंदर वो जो क्लिप लगेगी उसके लिए ये बोल्ट, और ये जो बाहर से आएगा। बस फेयरिंग बाइक का यही एक प्रॉब्लम रहता है कि कुछ भी लगाना रहो पहले पूरा बाइक खोलना पड़ता है। चलो उधर से एक जगह से मदर बाइक खोल रहे हैं, एक जगह से अपन खोलना चालू कर देते। इधर आता तो अपने हिसाब से ही करता हूँ भाई ज़्यादा करके, तो एक मिनट इसमें भी ट्विस्ट था, पहले हम लोग ने ना इसको यहाँ से नीचे से लिए थे, फिर बाद में मालूम पड़ा कि इधर बाहर ही आ रहा है, जबकि फ्रेम तो हमारी इधर है, तो फ्रेम में लेने के लिए फिर उसको ये हिसाब से सेट किया। देखो यहाँ पे देख लो, तो तुम लोग को भी हेल्प होगा लगाने के लिए, ये हिसाब से लगा रहे ताकि वो फ्रेम को कवर करे और स्लाइडर हमारा ऐसा बाहर आ जाएगा। सॉर्टेड हो गया, बस अभी फेयरिंग को हमारे फिट करना है और लग गए हमारे स्लाइडर भी। लग गए हमारे स्लाइडर्स,
चलो वो दिखाता हूँ लाइट लाके मैं। हो गया काम, बहुत टाइम गया यार, बहुत टाइम। नसीब, मैं तो इसको खुद से करने का सोचा था। अच्छा हुआ मैंने खुद से नहीं किया इसे। बट फाइनली चलो एक और चीज़ आ गई हमारे पास। अभी और थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ें बाकी है और उसके बाद सीधा ग्राफिक, ग्राफिक भी एक सोच के रखा हूँ। हाँ वैसे ये हिंट नहीं देना था बट अभी चलो निकल गया मेरे मुँह से ये। इधर से जाते चलो। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कुछ यूज़फुल चीज़ मिली रहेगी। ये स्लाइडर्स मैंने कहाँ से लिए वो भी मैं लिंक तो आपको पता ही, मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा तो उसका तो कोई इशू नहीं है। सो बस सॉर्टेड एंड सिंपल रखते ब्लॉग को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि आने वाले टाइम में अभी बस सुपर बाइक्स, राइड्स, मॉडिफिकेशन यही सब आने वाला है। तो चैनल पर नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।